बड़े बड़े बोहरान थे, उसमें एक वाटर क्राइसिस, हेल्थ की फैसिलिटीज का ना होना, तालीम का मयार हमारा ऐसा था कि क्वेटा के बाद हम समझते हैं कि मकरान डिवीजन तालीम के लिहाज से बलूचिस्तान का एक अहम सुतून है, मगर गवादर सारे सीएसएस अफसर जो भी हैं यहाँ पे उनका ताल्लुक काफी अक्सर मकरान से है, मगर गवादर से कोई भी नहीं है। अभी एक लड़के ने पीसीएस किया है, तो एक तरफ से तो गवादर जो है सीपैक का झूमर रहा है, मगर 3 साल अभी की भी बात करें कि एजुकेशन का हाल उधर अच्छा नहीं था। जाम साहब की जब से हुकूमत आई तो जो उन्होंने हेल्थ के हवाले से काम किए उसमें गवादर का जो पुराना हॉस्पिटल था 25 करोड़ रुपए उसे दिए हैं और उसकी बिल्डिंग 60% हो गई है, और एक किडनी सेंटर भी उन्होंने ग्वालियर शहर में दिया है 6 करोड़ का। जो पसनी का पुराना आरएससी हॉस्पिटल था जो बिल्कुल खंडर बना हुआ था, 15 करोड़ में उसकी नई बिल्डिंग बन रही है और उसे सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है। आरएससी ओरमाड़ा, हमारे वहां के एमपीए साहब ने वहां पे एक बिल्डिंग बनाई थी मगर वहां और कुछ नहीं था, तो 5 करोड़ रुपए जाम साहब ने दिए कि उसे वेल इक्विप करें, और जीवनी का को 1 करोड़ रुपए से उसका काम मुकम्मल हो चुका है, उसकी रिहैबिलिटेशन हो चुकी है। और इन पैसों में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि इन पैसों में उनके लिए एम्बुलेंस सर्विस और इक्विपमेंट भी शामिल हैं जो एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरियात होती है। कुछ बीएचयू भी दिए हैं जिसमें नलेंट है, पिशुकान है, कप्पर है, सरदश है, चोरबंदर है और गुंडी है। इन सब में 70% काम हो चुका है, और जहां जहां हॉस्पिटल्स के साथ रेजिडेंस की जरूरत थी वो भी बन रहे हैं। ये हेल्थ के हवाले से, और सबसे अहम काम पसनी के हवाले से किया है क्योंकि मेरा पसनी से ताल्लुक है, मेरा आबाई गांव है। एक ओमानी ग्रांट हॉस्पिटल काफी अरसे से बिल्डिंग पड़ी हुई थी, उसको इस वक्त एक्ट असेंबली में उसका पास हो गया है, उसे एक खुद मुख्तार इदारा बना के, जैसे नवाब हॉस्पिटल शानी हॉस्पिटल मस्तुम है, इस साल उसके लिए पैसे रखे जाएंगे और उसे एक बोर्ड चलाएगा और उसका एक स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होगा। हमारा टारगेट जाम साहब का ये है कि जाम साहब 2.5 साल के बाद जब उनकी हुकूमत खत्म हो तो ग्वादर के हर तहसील में, जिसमें ओरमाड़ा है, पसनी है, गवादर है और जीवनी है, अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हों और उनके साथ जितने भी देहात हैं वहां अच्छे बीएचयू मौजूद हों। अब आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। जिस वक्त जाम साहब की हुकूमत आई गवादर में सिर्फ 2 कॉलेजेस थे, एक पसनी कॉलेज अमीर अहमद कलमती डिग्री कॉलेज पसनी जो सैयद शेरजान ने अपने दौर में दिया, एक गवादर डिग्री कॉलेज जो डॉक्टर मालिक साहब ने दिया, मगर इनकी सिर्फ बिल्डिंग्स थी और कुछ भी नहीं था। जो पसनी का कॉलेज था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था कि वो बिल्डिंग गिरने वाली थी। पिछले साल 10 करोड़ रुपए जाम साहब ने पसनी के बॉयज कॉलेज को दिए, 13 करोड़ रुपए से नया गर्ल्स कॉलेज पसनी में बन रहा है। गवादर का जो बॉयज कॉलेज था 14 करोड़ रुपए जाम साहब ने ग्रांट दी है, और उससे वो जो कॉलेज है अगर आप आए तो वो वहां पे सड़कें भी बन रही हैं, ग्राउंड भी बन रहा है, ऑडिटोरियम भी बन गया है, लड़कों के लिए हॉस्टल भी बन गया है, और एक आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। उसके अलावा जो ग्वादर गर्ल्स कॉलेज है उसको भी 10 करोड़ रुपए से उसकी नई बिल्डिंग बन रही है। ओरमाड़ा में भी जो बॉयज कॉलेज है उसकी बिल्डिंग 3 करोड़ रुपए में एमपी साहब ने बनाई थी, पर 5 करोड़ रुपए और जाम साहब ने उसको दिए ताकि वो कॉलेज मुकम्मल हो जाए। और उसके अलावा एक नए गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद ओरमाड़ा में पिछले साल 7 करोड़ में रख दी है और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वो मुकम्मल हो जाएगी। और इस वक्त के जो
नया और न्यू स्कीम्स में आप चले जाएंगे तो 13 करोड़ रुपए में जीवनी बॉयज कॉलेज इस साल इसका स्टार्ट हो जाएगा, ये बनने जा रहा है। टारगेट ये है कि जाम साहब के दौर में 2.5 साल में जो रह गए उसमें हमारे हर तहसील में, जो कि बलूचिस्तान में शायद कहीं और ना हो, बॉयज कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होगा। और अब हमारा टारगेट नेक्स्ट जो है ग्वादर यूनिवर्सिटी की तरफ है, और ग्वादर यूनिवर्सिटी के डिले होने की वजह सिर्फ ये रही है कि मेरी एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई। मैं इस वक्त अपोजिशन में भी किसी ने कोई काम किया है तो उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और जो अच्छा काम करे उसके बाद भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर मालिक साहब ने तुर्बत में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उन्होंने स्टार्ट किया उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। वो यूनिवर्सिटी उन्होंने उधर बनाई, मगर उस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब जो है उनकी वो तरजीह दे रहे थे। एहसन इकबाल साहब से मेरी मुलाकात थी, वो उन्होंने कहा कि हम ग्वादर को तरजीह दे रहे थे मगर सीएम साहब उधर ले गए। और इस वक्त जो है हमारे बच्चों की तादाद कम है, मगर हमारा टारगेट ये जब ये कॉलेजेस बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला 1200 से 1400 बच्चे हम साल में फारिग करेंगे, और जब ये कॉलेजेस फुल फ्लैश चलेंगी तब तक हम अपनी यूनिवर्सिटी की बुनियाद काम मुकम्मल हो चुका है। एक बड़ा खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पसनी में बन रहा है, और ये पसनी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इसमें फुटबॉल ग्रासी है, फुटबॉल ग्राउंड भी बनेगा, और उसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर और जिम, ये सारी फैसिलिटीज इसमें इंशाल्लाह मौजूद होंगी। इसका भी 70% काम हो चुका है। फुटसॉल आपने देखा होगा कि क्वेटा में सरियाब में भी बने। हमारे ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में जाम साहब ने हर तहसील में, पसनी में, ओरमाड़ा में, ग्वादर में दो बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स कॉलेज में भी एक दिया है, और उसके अलावा जीवनी में एक, ये भी इनका 70% काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ महीने में ये कंप्लीट हो जाएंगी। सेनेटर इसहाक क्रिकेट स्टेडियम जो काफी मशहूर है, यहाँ पे अपोजिशन के दोस्त वावेला करते हैं कि ग्राउंड बना दिया पानी नहीं है। ये ग्राउंड ग्रासी है और इस ग्राउंड की अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री ये है, मैं खुद पानी का वजीर रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि पानी के जितने भी जखायर हैं उसमें एक डैम भी होने चाहिए, ट्यूबवेल भी होने चाहिए, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी होनी चाहिए और डिसलिनेशन प्लांट भी साहिली इलाकों में उनकी जरूरत है। ये चारों जराए से पानी होना चाहिए। यहाँ पे एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पड़ा हुआ था जो नाकारा था, दो सदल रोड पे भी पड़े हुए हैं, मगर जान साहब खुद गए उधर, उस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को उसने देखा और उसने हुक्म दिया कि इसको ठीक करो। तो जो डीजी था उस वक्त डॉक्टर सज्जाद साहब थे, ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने कहा कि सर ये पैसे दे दे, मैं 3 महीने में चला लूंगा। उसने कहा 4 महीने में कर दो। फिर एक दिन हम घूमते घूमते दफ्तर गए तो डीजी साहब ने कहा अब तो जितनी ग्वादर है ये प्लांट बन गया है और इससे हम पूरी ग्वादर की प्लांटेशन करेंगे। मैंने कहा भाई वो प्लांटेशन बाद में करोगे, इसके बराबर में ये ग्राउंड है क्रिकेट, इसे एकदासी कर दो। तो इस ये सिर्फ ग्राउंड नहीं है बल्कि इसके बराबर का जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी इस हुकूमत की कामयाबी है कि बलूचिस्तान में पहला प्लांट है जो सही है और काम कर रहा है, और उसके पानी से ये ग्राउंड में भी पानी दे रहे हैं। बेहतरीन ग्राउंड बनाए जो पूरे पाकिस्तान आए हैं, वो दश्त या सोनसर में है या जीवनी में है, और दश्त में शेजनिक डैम 2.5 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट से जाम साहब ने इस वक्त मंजूर कराया। 50 करोड़ रुपए का शेजनिक डैम पिछले साल मंजूर किया, टेंडर किया, उसका 35% 40% काम हो चुका है और बाकी काम चल रहा है। अब आ जाते हैं सिंगार हाउसिंग स्कीम। आप में से ग्वादर जो भी गया होगा तो पीसी के जो सामने का पहाड़ है उसे सिंगार हाउसिंग स्कीम, एक लोकल स्कीम है डीसी के हाथ में, उसके 1.25 अरब रुपए सालों से पड़े हुए थे, 15 सालों से पैसे पड़े हुए थे, जाम साहब ने वो पैसे निकलवा के अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए हैं और वहां जो सनसेट का पार्क बनाया है, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि हम टूरिज्म को ग्वादर में प्रमोट करें, तो वो जो सनसेट
का पार्क है, वो भी दुनिया का एक शानदार पार्क है, और इस साल न्यू ईयर पे 2000 लोगों का इज्तम वहां पे हुआ, जिसमें लोकल लोग, फैमिलीज और कराची से और पंजाब से आई हुई फैमिलीज शामिल थी। ये हम समझते हैं हमारी एक बड़ी कामयाबी है। टोटल सिंगार पे 70 करोड़ रुपए की स्कीम्स दी हैं, जिन पे काम जारी है। न्यू टाउन गवादर के सबसे अहम तरीन जगह पे, सबसे अहम हाउसिंग स्कीम, जहां सबसे ज्यादा लोकल्स के घर हैं, यहां पे रोड सेवरेज की लागत से वहां पे जो है एक शोर प्रोटेक्शन वॉल का 70% काम हो चुका है। दोसी डैम पुराना डैम है जाम साहब की हुकूमत से पहले, मगर ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होने की वजह से इसका काम रुका हुआ था। इस वक्त इस डैम पे भी 70% काम मुकम्मल हो चुका है और 30% रह गया है, बाकी बलूचिस्तान से शायद बेहतर है। तो इस हवाले से वुमेन मार्केट का कयाम 5 करोड़ रुपए में एक अच्छी जो है इब्तिदा है, ताकि वुमेन भी कारोबार करें, वो घरों से निकले और अपने खानदान की माशी हालत को बेहतर करें। एक वुमेन यूथ हॉस्टल और एक बॉयज यूथ हॉस्टल का काम भी 70% ग्वादर में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमारा एक बड़ा मसला